नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश आए दिन भर के मुख्य समाचार। मौसम ने ली करवट, रोहतांग में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, पर्यटकों ने की मस्ती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल में मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से रोहतांग दर्रा के साथ चंद्रभागा रेंज की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो गए हैं। लाहौल से लेकर कुल्लू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पर्यटकों व पर्यटन कारोबारियों को भी नए साल के मौके पर ताज़ा बर्फबारी की उम्मीद है। बता दें, जिला कुल्लू में 3 माह से सूखा चल रहा है। ऐसे में किसान बागवानों को भी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। वहीं नए साल के जश्न के लिए कुल्लू मनाली के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। बंजार के जीबी सोझा तीर्थन मणिकरण व मनाली में रौनक बढ़ना शुरू हो गई है। 6 जनवरी को हमीरपुर दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डीसी ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा। नव वर्ष में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमीरपुर का दौरा करेंगे। उनके 6 जनवरी के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधीश हेमराज बैरवा ने आज हमीरपुर भवन में पुलिस अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर तथा करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक करके उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अभी उपराष्ट्रपति के दौरे का विस्तृत एवं फाइनल कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक सूचना के अनुसार वह 6 जनवरी को दो सड़का के पुलिस मैदान और एनआईटी के सभागार में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नशे के ओवरडोज से अमृतसर की युवती की मौत, नए साल का जश्न मनाने आई थी कुल्लू मनाली। अमृतसर की एक युवती की नशे के ओवरडोज के कारण मौत हो गई। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह युवती न्यू ईयर का जश्न मनाने कुल्लू मनाली आई थी तथा भुंतर के एक गेस्ट हाउस में अपने दोस्त के साथ रुकी थी। इसे नशे की हालत में गत रात अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया, जहां नेरचौक में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचित किया और शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट में इस बात का पता चल सकेगा कि युवती ने कौन से नशे का सेवन किया था। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि नशे की ओवरडोज से युवती की मौत हुई होगी। मृतक युवती की पहचान अरुण प्रीत कौर 22 वर्षीय पुत्री लखनविंदर सिंह निवासी अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। वहीं एसपी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि की है। शिमला में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी शिमला के उपनगर ढली में आज सुबह सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ऋतिक चंबी और प्रियांशु निवासी बामटा उपमंडल चौपाल के तौर पर हुई है। दोनों की उम्र करीब 23 साल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग ढली भट्टा कुफर बाईपास पर सुबह करीब 7:30 बजे एक वर्कशॉप के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन सड़क पर पलटा होने के कारण एक युवक को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। एएसपी सुनील नेगी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। 1 जनवरी 2024 से पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं खरीदेंगे सरकारी विभाग, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन ई वाहन पर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुँच गई है। प्रदेश की सहकारी समितियों को लाभांश का 3% देना होगा एजुकेशन फंड।
हिमाचल में अब सहकारी समितियों को अपने शुद्ध लाभांश का 3% एजुकेशन फंड चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नियम 1971 के उपनियमों में संशोधन कर दिया है। पहली बार सहकारी समितियों से एजुकेशन फंड लेने का फैसला लिया गया है। नियमों और उपनियमों में किए गए संशोधन प्रस्ताव पर आम जनता को आपत्तियां दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं सुझाव और आपत्तियों पर गौर करने के बाद सहकारिता विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में 5,247 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। अगले वर्ष से एजुकेशन फंड लिए जाने का प्रावधान किया गया है। पिछले कल सहकारिता विभाग ने राजपत्र में अधिसूचित संशोधित प्रस्ताव में बताया कि अब प्रदेश में पंजीकृत प्रत्येक सहकारी समिति सहकारी शिक्षा निधि में योगदान करेगी। हिमाचल में रुकी 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं, सीएम ने दिए एफसी और एफआरए मामले निपटाने के निर्देश। हिमाचल में विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों के कारण लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश उन्होंने आज सचिवालय में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधी एफसी और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एफसी और एफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वन मंडलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के 2024 के कैलेंडर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के वर्ष 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। संगठन ने पहली बार कैलेंडर जारी किया है। वहीं संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, ओएसडी गोपाल शर्मा, संगठन के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान रमन शर्मा, उप प्रधान महेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य पुष्पलता, जगमेश सिंह कंवर, सुभाष भारद्वाज, अनिल धांटा तथा विनोद कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे। नए साल में एचआरटीसी लोगों को देगा 3 तोहफे, बसों में कैशलेस होगा सफ़र। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी नए साल में प्रदेश के लोगों को 3 तोहफे देगा। जनवरी से कैशलेस सफ़र, ऑनलाइन बस पास और वर्कशॉप इन्वेंट्री की सुविधा शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी तक तीनों सुविधाएं औपचारिक रूप से शुरू करने की योजना है। वहीं प्रदेश में नए साल से एचआरटीसी की बसों में यात्री कैशलेस सफ़र कर पाएंगे। एचआरटीसी ने नई हाईटेक मशीनों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।